नमस्कार, सत्ता के महाभारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ अनुराग सक्सेना। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई पिटाई की कहानी अब एक बेहद सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि इस केस से जुड़े जो वीडियो सामने आए हैं वो अपने आप में 13 मई को सीएम हाउस में हुई घटना की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बाहर आएगा 13 मई की घटना का सच। सीसीटीवी से बेपर्दा होगा एक एक किरदार। सबूत बोलेंगे, राज खोलेंगे। दिल्ली के सीएम आवास में 13 मई को क्या क्या हुआ, ये कहानी भले ही पर्दे के पीछे है, लेकिन इसी पर्दे को हटाने के लिए एक एक वीडियो, एक एक तस्वीर को बारीकी से खंगाला जा रहा है। ये वीडियो उस वक्त का है जब दिल्ली के एम्स में स्वाति मालीवाल का मेडिकल टेस्ट हुआ था। सूत्रों के हवाले से स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में भी चौंकाने वाली बातों का पता चला है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक एक्सरे और सीटी स्कैन में पता चला है कि स्वाति मालीवाल के चेहरे पर अंदरूनी चोट के निशान हैं, और उनके राइट हैंड माना जाता है जो वैभव कुमार विभव कुमार, वो जाकर के उनके पार्टी के एक महिला सदस्य को और राज्यसभा मेंबर को, और कल परसों तक जो महिला आयोग के हेड थी वो महिला उन्हीं के अपने घर में, व्हेन ही सीटेड इन हिज हाउस, चल रही है, उनको कुछ उसके बारे में चिंता नहीं है, और उसके ऊपर बयान देने का भी आत्मविश्वास जिनका नहीं है, ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है, कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और ऐसे लोगों का बचाव करके, मतलब जो अभी तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थे, जमानत पर आए हैं, दो जून को फिर जेल जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से वह आम आदमी पार्टी की ही एक राज्यसभा महिला सांसद के साथ उन्हीं की आंखों के सामने उन्हीं के घर में इस प्रकार की घटना हो जाती है, वह शर्मसार करने वाली है। जो दावा स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट्स में किया गया है, कुछ कुछ वैसा ही वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि एम्स से मेडिकल टेस्ट कराने के बाद जब स्वाति मालीवाल घर पहुंची तो वीडियो में वो लंगड़ाती हुई दिखाई दे रही थी और संभल संभल कर चल रही थी। खुद एफआईआर में भी स्वाति मालीवाल ने ये बताया है कि 13 मई को सीएम हाउस में किस बेरहमी के साथ विभव कुमार ने उनकी पिटाई की। सीएम के आवास में जहाँ वो प्रेजेंट थे, मेरे ख्याल से उनके स्टेटमेंट में ये है कि उनकी जानकारी में था ये हो रहा है, तो अगर इन सीएम की जानकारी में था तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन सीएम के ऊपर भी आता है कि जो महिला सुरक्षा के नाम पर फ्रीबीज भी बांटते हैं, वो अपने ही घर में महिला जब पिट रही हो तो अपनी आंखें मूंद लेते हैं, और उसके बाद कोई भी उस जो आदमी करता है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। उधर बीजेपी महिला मोर्चा लगातार इस मामले में आम आदमी पार्टी को घेर रहा है। सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि 13 मई के पूरे रहस्य को बेपर्दा करने के लिए पुलिस ने अपना एक्शन तेज कर दिया है। खबर है कि इस मामले में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और क्राइम टीम पूरे केस की जांच में जुटी है। सबसे पहले पुलिस पूरी घटना की टाइमलाइन बनाएगी, यानी पुलिस 13 मई को हुई घटना का सीक्वेंस तैयार करेगी। सीक्वेंस के हिसाब से ही सीसीटीवी को खंगाला जाएगा। सीएम हाउस के घर के बाहर लगे 8 सीसीटीवी की जांच की जाएगी। सीएम हाउस के गेट पर कौन कौन मिला, सबके बयान दर्ज होंगे। जिस टैक्सी से स्वाति मालीवाल सीएम हाउस पहुंची थी, उसके ड्राइवर का बयान भी दर्ज होगा। स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के घर कौन कौन मिला, उनके भी बयान लिए जाएंगे। पहली बात तो इससे ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक नहीं हो सकता कि एक मुख्यमंत्री के आवास पर एक महिला के साथ इस तरीके की घटना घटी हो, जिस तरीके से, और ये बात
कोई नकार भी नहीं सकता है। उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ राज्यसभा सांसद ने इस बात को स्वीकार किया है और उसके बाद मुख्यमंत्री का रवैया देखिए, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्हीं को लेकर कल अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने साथ लेकर गए हैं, तो कैसे कोई विश्वास करेगा कि भाई ये कार्रवाई करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर एक मुख्यमंत्री के आवास पर ही महिला सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली में आम महिलाओं का क्या होगा। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि कोई भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार हो या मॉलेस्टेशन का केस, तो FIR दर्ज करना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि महिला सुरक्षित हो, और यहाँ देखने मिलता है कि महिला उद्योग, जो दिल्ली की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी है, अभी अध्यक्ष हैं दिल्ली विमेंस कमीशन की, राज्यसभा में सांसद हैं, उनके प्रति ऐसे अन्याय हमको देखने मिलेगा तो शोभा नहीं देती है। भाई ऐसा है कि उन्होंने तो मान लिया है, आम आदमी पार्टी के नेता ने, कि कुछ जरूर दुर्व्यवहार हुआ है। जब उन्होंने स्वीकृति कर दी तो आगे की बात ही क्या रह गई है। अगर सिद्ध होंगे तब तो हो सकता है भाजपा प्रायोजित हो। फिलहाल इस बेहद गंभीर मामले में पुलिस की दस्ती में दूध का दूध और पानी का पानी करने में जुटी है। स्वाति बालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से FIR दर्ज होने के बाद सियासी हंगामा तेज हो गया है। बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। जिस विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप लगे, वो CM अरविंद केजरीवाल के साथ घूमते कैमरे में कैद हुए। लेकिन हैरानी की बात ये है कि लखनऊ में जब अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया तो वो विभव कुमार पर चुप्पी साध लिए। इधर स्वाति मालीवाल से जुड़े सवालों पर केजरीवाल ने चुप्पी साधी तो उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया कि आरोपी शख्स दिल्ली के CM के साथ उत्तर प्रदेश में घूम रहा है। आई एम बीइंग टोल्ड दैट इन उत्तर प्रदेश He was seen walking around with the accused. Leave alone talking about it or punishing the person. He is on the contrary walking around with this person, the accused. It's utterly shameful that a member of parliament, a woman who headed the Delhi Women's Commission, was treated like this. उधर असम के CM हिमंत बिस्व शर्मा ने भी स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोला। स्वाति मालीवाल जी ने दिल्ली पुलिस को कम्प्लेन दिया है, स्टेटमेंट भी दिया है। उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि मेरा साथ जो हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है। अभी प्रश्न यही है, अगर बहुत बुरा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी चुप क्यों रहे? उनका सामने जब बुरा हुआ था अरविंद केजरीवाल कहाँ था? वही रूम में था कि नहीं था? अगर इतना बुरा हुआ है, जो स्वाति मालीवाल जी का ही भाषा है कि मेरा साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, तब अभी भी वो व्यक्ति को लेके केजरीवाल जी क्यों घूम रहा है? केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद से दिल्ली की सियासत में बड़ा तूफान खड़ा हो चुका है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल जी को पिटवाया है, ऐसे में उनका ये दूसरा ऑफेंस है और सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए इसको, और सुप्रीम कोर्ट को उनकी जमानत रद्द का जो है वो चुनाव तक भी रद्द करनी चाहिए। ऐसे अक्यूज्ड का जो बार बार ऐसा क्राइम कर रहा हो वो बाहर नहीं खुला घूमना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसका जरूर संज्ञान लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह की घटना आपके आवास में हुई, आप उस समय घर में मौजूद थे, आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया? क्यों आपने रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों आज चार दिन तक आप चुप्पी रख के बैठे हैं? मैं अब भी आपसे कहता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत
विभव को पुलिस के हवाले कर। इस बीच दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने स्वाति मालीवाल के समर्थन में एक पत्र जारी कर दिया है। यही नहीं, बीजेपी की कई महिला कार्यकर्ता स्वाति मालीवाल के आवास पर भी उन्हें समर्थन देने पहुंच गईं।